पीडीएफ प्रोफेशनल फाइलें, है ना। तो पीडीएफ प्रोफेशनल में एक्चुअली पीडीएफ प्रोफेशनल है क्या, पीडीएफ प्रोफेशनल में अपना डॉक्यूमेंट्स है जो टेंडर के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगता है आप उसको इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। अभी अदरवाइज आपके पास दूसरा ऑप्शन अवेलेबल है गूगल, जो आपको इसका सॉल्यूशन देता है पर ऐसा प्रॉपर नहीं मिलता। ये तो आपको मल्टीपल साइट्स पे जाना पड़ेगा, मल्टीपल जगह पे काम करना पड़ेगा, उसके भी कुछ लिमिटेशन होंगे, उसके साथ काम करना पड़ेगा, साथ में प्रॉपर वे से काम नहीं करता है। जैसे कि 10-20 डॉक्यूमेंट्स है आप उसको एक साथ आपको कंबाइन करना है तो कंबाइन तो कर सकते हैं, पर उसमें से मुझे पर्टिकुलर एक पेज निकालना है तो मैं उस एक पेज को निकालने के लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। या फिर एक पीडीएफ है और एक उसके साथ एक पीडीएफ कंबाइन करना है, एक पीडीएफ 10 पेज का है और दूसरा पीडीएफ 20 पेज का है, तो 20 पेज में मुझे पूरा नहीं लेना है, उसमें सिर्फ जीएसटी और आईटीआर का ही पेज लेना है, मतलब 5 नंबर से 15 नंबर पेज ही लेना है पहले वाले पीडीएफ पे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। पहले मुझे उस पेज से वो सब निकाल के मुझे अलग पीडीएफ बनाना पड़ेगा, फिर मैं उसको मर्ज कर सकता हूँ। और भी ऐसे बहुत सारे, जैसे वहां पेज नंबर नहीं डाल सकते, यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते। पीडीएफ टू वर्ड एक्सेल में कन्वर्ट नहीं होता प्रॉपर, यहाँ से पीडीएफ एक्सेल में कन्वर्ट होता है। मतलब इन शॉर्ट है कि टेंडर के लिए जो भी चीजें लगती है आपको एक ही पीडीएफ आपको सब कुछ प्रोवाइड करता है। तो हम लोग उसका आज डेमो देखेंगे कैसे वो काम करता है और थोड़ा बेसिक इंस्टॉलेशन का प्रोसेस देखेंगे जिसमें क्रैक वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ मिलेगा। तो चलिए, यहाँ पे आपको मैंने ये लिंक आपको सॉफ्टवेयर आपको भेज दिया है, मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर में आपको मुझे पीडीएफ प्रोफेशनल ऑल यूजर मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑटो रन ये मिलेगा, जैसे ये डाउनलोड करेंगे रार के फाइल में डाउनलोड होगा ताकि कोई भी फाइल जो है मिस ना हो। ये अप्रोक्सीमेटली आपको 1.5 GB तक रहेगा और ये डाउनलोड होने के बाद आपको ये 32 बिट के लिए भी है, 64 बिट के लिए भी, तो आपको यहाँ जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आप ऑटो रन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ऑटो रन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और यहाँ पे क्रैक में आपको इसका सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ये सीरियल नंबर से आप सीरियल नंबर डालेंगे तो आपका फुल वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 4 सीरियल नंबर डाला हुआ है, यदि एक काम नहीं करता है तो दूसरा 100% काम करेगा। इनको इनकेस आपको कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे उसका व्हाट्सएप में फोटो निकाल के भेज देंगे ग्रुप में, जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप है वहां पे, तो आपको उसका सॉल्यूशन भी आपको वहां से प्रोवाइड हो जाएगा। ये सॉफ्टवेयर के साथ और की चीजें इंस्टॉल हो जाती है, इमेज पीडीएफ कन्वर्टर में इंस्टॉल हो जाता है, मतलब आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। ये सब और भी बाकी के कुछ थोड़े थोड़े टूल्स है जो इसके साथ साथ इंस्टॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको अलग से करने की जरूरत कुछ भी नहीं, सब ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो रन पे जस्ट आपको क्लिक करना है और क्रैक में जब सीरियल नंबर मांगा जाएगा तो आपको क्रैक में सीरियल नंबर डालना, ऑर्गेनाइजेशन का नाम वगैरह भी पूछा जाएगा पर वहां पे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं, या फिर ABCD या फिर आपकी कंपनी का नाम डाल देंगे तो भी चले। ये आपका प्रॉपर पीडीएफ प्रोफेशनल का सॉफ्टवेयर है, जहां से आपको मेल भी मिल गया होगा वहां से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। हर एक सिस्टम में चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा होना चाहिए, नहीं तो ये सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी है, आपको थोड़ा पीसी के परफॉर्मेंस को थोड़ा स्लो कर देगा, चलेगा 100% पर परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। एटलीस्ट 2 GB रैम के साथ यदि यूज करेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देता। चलिए तो इसका वर्क देखते हैं। ये आपको यहाँ से पीडीएफ कन्वर्टर इंटरप्राइजेस बोल के आपको मिलेगा, ऐसा सिंबल आएगा, यहाँ पे आपको जाना है। इसके साथ देखिए ये सभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है, तो ये इसमें मर्ज है तो हम एक ही सॉफ्टवेयर से सब कुछ सीख लेंगे। ये मैंने ओपन कर दिया। इसके एक बेनिफिट और है कि यहाँ पे पीडीएफ फाइल हो जाता है इंसर्ट और आपके जेपीजी भी इंसर्ट हो जाता है एक साथ। फाइल हमको कभी भी यहाँ पे पहला एक फाइल को ओपन करना है, कोई भी एक फाइल, हम यहाँ पे कोई सा भी टेंडर फीस और EMD की फाइल को ओपन कर लेते हैं। एक पीडीएफ को ओपन कर दिया। अभी टेंडर में बोला कि सब डॉक्यूमेंट्स एक साथ मर्ज करना है, तो हम मर्ज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आज जैसे ओपन कर लिया, इसमें टोटल 49 पेजेस थे, वो यहाँ पे इंसर्ट हो गए, यहाँ पे आपको पेज नंबर का डिटेल्स आ जाता है।
अभी सब डॉक्यूमेंट्स को एक साथ मर्ज करना है, कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स में जाओ, पेज में जाओ, कहाँ पे गए? डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज में जाएंगे और इंसर्ट, इंसर्ट। अभी यहाँ पे हम इजीली डाल सकते हैं, आपने को यहाँ पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन और साथ में डिक्लेरेशन भी इंसर्ट करना, या फिर सोच लीजिए स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 मुझे इसमें मर्ज करना है तो मैं कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करना है आपको, या फिर शिफ्ट दबा के भी हम कर सकते हैं, कंट्रोल दबा के भी। ये चारों को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको ओपन, अभी एक साथ सभी पेज इंसर्ट हो जाएगा। कहाँ पे इंसर्ट करना है ये भी पूछ रहा है, तो मुझे लास्ट पेज के बाद इंसर्ट करो, जो भी इसका लास्ट पेज होगा उसके बाद आफ्टर इंसर्ट कर दीजिए। ओके, तो देखिए लास्ट पेज के बाद इंसर्ट कर दिया, 117 पेजेस हो गए। पर यहाँ पे मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजन है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स आया और कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं आया, कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिसिंग हो गए क्या, ये थोड़ा सा देखना थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, एक एक पेज देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, मुझे सभी पेज एक साथ दिखना चालू हो जाएगा। कैसे? तो व्यू में जाएंगे और डॉक्यूमेंट असेंबली। मैं आपको यही डॉक्यूमेंट्स इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने कल इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में देखा था। यहाँ पे हो गया, देखो अभी सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखना चालू हो गए। मुझे लग रहा है कि और छोटा करके मुझे एक साथ देखना है, तो मैं और छोटा कर सकता हूँ। अभी एक साथ देखो, दिख गया। ये मेरा इंडेक्स है, ये मेरा फॉरवर्डिंग लेटर है, ये मेरा ITR है। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ITR है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ था, ITR के साथ मेरा ये बिल्ड कैपेसिटी और टर्नओवर सर्टिफिकेट बीच में घुस गया था। हम लोगों ने कल भी आप लोगों ने डिस्कशन किया था, फिर से हमारा बीच में फिर से ITR चालू हो जाता है। देखो यहाँ से, तो मुझे क्या चाहिए, ये जो डॉक्यूमेंट्स है 15 to 35, जो बीच में दूसरा डॉक्यूमेंट्स है, इसको ITR के साथ अलग करना है, मतलब ये ITR एक साथ ही रहना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, 15 नंबर से ये पूरा का पूरा पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, 15, 16, यहाँ से फिर से मेरा ITR चालू हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ इसके बाद ITR के बाद हम वो फाइल को यहाँ पे डाल देंगे, तो ITR मेरा खत्म होता है। मुझे यहाँ से पता चल गया ITR मेरा 48 पेज को खत्म हो जाता है, तो आफ्टर 48 मैं इस पेज को डाल दूंगा। तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगा इसको और 48 के बाद डायरेक्टली इंसर्ट कर दूंगा। देखिए अभी ITR मेरा एक साथ हो गया, अभी मैं यहाँ से देख सकता हूँ हुआ क्या, देखते हैं। ये देखिए ITR मेरा पूरा भी एक साथ आ गया। अब यहाँ से मेरा फिर से 28 नंबर पेज से चालू हो गया नॉर्मल पेजेस। अब यहाँ पे बाकी के पेजेस इंसर्ट हो गए, सब आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाता। ओके, अभी मुझे लगता है कि इसमें से बाकी के पेज भी मुझे इंसर्ट करने हैं, पर इस टेंडर के लिए थोड़े डॉक्यूमेंट्स बदल जाएंगे, उसमें से मुझे सभी डॉक्यूमेंट्स को नहीं लेना है, थोड़े डॉक्यूमेंट्स ही मुझे चाहिए, तो भी यहाँ पे मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे जो देखते थे कंपनी रजिस्ट्रेशन, मुझे इसमें सब पेज नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे नीचे एक्सपीरियंस था मेरा, मुझे एक्सपीरियंस को लेना है खाली, जो मैंने लिया था यहां से मेरा एक्सपीरियंस चालू हो जाता है। कितना नंबर पेज है वो आपको ध्यान देना है, ये पेज है 21, तो 21 से 37 पेज मुझे इंसर्ट करना है, सिर्फ आगे का पेज नहीं, सिर्फ 21 से 37 पेज ही इंसर्ट करना है, पूरा पेज नहीं करना है, इस पीडीएफ का पूरा पेज नहीं करना है, 21 से 37 पेज इंसर्ट करना है, पूरा पीडीएफ नहीं। तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ 21 से 37 पेज। कैसे करेंगे? डॉक्यूमेंट्स में, पेज में जाएंगे और इंसर्ट। यहाँ पे आपको कौन इसमें था, कंपनी रजिस्ट्रेशन, इसमें से मुझे सभी पेज नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे ऑल पेज की जगह पे क्या करेंगे, 21 पेज से लेके 37। कहाँ पे इंसर्ट करना है, कोई पर्टिकुलर पेज के बाद करना है, आफ्टर करना है, करंट पेज या पेज नंबर पर्टिकुलर? नहीं, मुझे जो ये इंसर्ट करना है कहाँ पे करना है, तो ठीक है लास्ट पेज के बाद। तो लास्ट पेज के बाद यहाँ पे ये पूरा पीडीएफ कितने पेज का है, 37 पेज का है। मैं कितना इंसर्ट कर रहा हूँ, 21 से 37, मतलब 17 पेज ही इंसर्ट कर रहा हूँ।
तो 117 है, 134 पेजेस यहाँ पे और 17 पेज इंसर्ट हो जाएगा। पूरा पेज इंसर्ट नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, लास्ट पेज के बाद, 117 के बाद। ओके कर दीजिए, यहाँ पे देखिए ये 118 से मेरा वही पेज इंसर्ट हो गया जिसका मैंने कमांड दिया था, ऊपर का पेज मेरा इंसर्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली वहां से वो पिकअप कर लिया। मुझे लगता है जीएसटी पेज, उसके बाद मुझे जीएसटी का भी पेज चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, पेज में जाएंगे, इंसर्ट, ये भी किसमें है, कंपनी रजिस्ट्रेशन, पहला पेज ही है, तो 1 से लेके 3 नंबर पेज तक मुझे इंसर्ट कर दो लास्ट पेज के बाद, आफ्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो जीएसटी भी मेरा इंसर्ट हो गया 3 पेज। तो ऐसा पर्टिकुलरली वहां से जो पेज चाहिए उसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मेरा एमएसएमई ये डबल हो चुका, ये दोनों रिपीट सेम डॉक्यूमेंट्स हो गया, मुझे 116 को डिलीट करना है, रिपीट नहीं चाहिए, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से डिलीट, सिलेक्टेड पर्टिकुलर रेंज, पूरा का पूरा कोई रेंज में करना है तो रेंज को भी कर सकते हैं, करंट पेज करना है तो करंट, ये सिलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पे 116 डिलीट हो जाएगा और 137 की जगह 136 पेजेस हो जाएगा, 136 पेजेस हो गए, ऐसे दूसरा वाला पेज डिलीट हो गया। ऐसे आप काम कर सकते हैं, पर याद रखेंगे इसको सेव नहीं कर देंगे, सेव कर देंगे तो पहले वाला पेज ही आपका फिर से रिप्लेस हो जाएगा, तो सेव एज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे डेमो बोल के, मैं डाल सेव, अभी डेमो बोल के मैंने एक सेव कर दिया, तो देखिए मेरा फिर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेट हो गया। अभी मुझे ये इंडेक्स हम लोगों ने बनाया है, अभी यह इंडेक्स को बदलना है या कोई चेंज करना है तो हम उसको भी कर सकते हैं। इंडेक्स को हम पहले तो एक्सेल में बना लेंगे, पर उसके लिए मुझे यहाँ पे पेज नंबर देना पड़ेगा, तो मैं चाहता हूँ सभी पेज नंबर पे पेज नंबर आ जाए। पेज नंबर कैसे आएगा, तो डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, यहाँ पे हेडर एंड फुटर, हेडर एंड फुटर में एड हेडर एंड फुटर देंगे और यहाँ से पेज नंबर, कहाँ पे पेज नंबर चाहिए आपको, तो मुझे पेज नंबर चाहिए बॉटम के सेंटर, तो बॉटम के सेंटर में क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, पेज नंबर, पेज नंबर सेटिंग, पेज नंबर कैसा चाहिए, ये मंथ डेट का डेट फॉर्मेट है ये पेज नंबर, तो मुझे पेज 1 of n ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए। पेज नंबर कहाँ से चालू करेगा, तो पेज नंबर दूसरे नंबर से चालू करेगा, पहला नंबर पेज मुझे नहीं चाहिए था एक्चुअली, ये डिलीट करने का है क्योंकि ये बदलेगा, तो मुझे पहला नंबर पेज अलग रहेगा और फिर मुझे दूसरे नंबर से पेज को चालू कर सकते हैं, या फिर आप एक नंबर से भी पेज चालू कर सकते हो, मैं एक नंबर से पेज चालू कर रहा हूँ, मंथ डेट के हिसाब से पेज नंबर कैसा आएगा ऐसा। ओके, यहाँ पे सेंटर में चाहिए तो यहाँ सेंटर में बॉटम में इसको करेंगे, यहाँ पे सेंटर में क्लिक करके इंसर्ट मैक्रो, तो देखिए यहाँ पे आ गया और यहाँ पे कैसा पेज नंबर आएगा वो भी आपको बता देता है। आपको यदि ये बड़ा छोटा चाहिए तो आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं साइज में, देखो ये साइज में बड़ा छोटा होता है, ऐसा भी आप ऑप्शन अवेलेबल है। अप्लाई टू मल्टीपल, अप्लाई कर दीजिए, डेमो को सिलेक्ट कीजिए और इसको ओके कर दीजिए। ओके, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अभी सब पेज पे पेज नंबर आपको डिस्प्ले करवा देगा। यहाँ पे देखो पेज नंबर आ चुका, देखना चाहते हैं हम पेज नंबर आया कि नहीं प्रॉपर, देखिए पेज नंबर मेरा यहाँ पे इंसर्ट कर दिया हर एक लिए। आप कभी इस पेज नंबर को चेंज कर सकते हैं, ये सभी कमांड्स आपको अवेलेबल मिलते हैं, साथ में मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ टू वर्ड करना है, एक्सेल करना है तो वो भी कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इमेज इंसर्ट करना तो मैं इमेज भी इंसर्ट कर सकता हूँ, पेज इंसर्ट डेस्कटॉप, यहाँ पे कोई इमेज है तो मैं देखता हूँ, मेरा फाइल मान लीजिए इमेज के फॉर्मेट है तो मुझे इमेज इंसर्ट करना है, पीडीएफ को करो ऑल फाइल, यहाँ पे आपको सभी इमेज दिख जाएगा, तो मुझे मान लीजिए 3 या 4 इमेज को इंसर्ट करना है, 4 इमेज मेरा डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में है मुझे ये इंसर्ट करना है, इसको ओपन करेंगे, इमेज का फाइल को थोड़ा टाइम लेता है, तो मैं इमेज को भी इंसर्ट कर सकता हूँ, इसको क्लिक नहीं करना है ज्यादा, कहाँ पे इंसर्ट करना है, तो मुझे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर पेज नंबर
टू के बाद इंसर्ट कर दो, पेज नंबर टू के बाद मेरा इंसर्ट कर दीजिए वो इमेज। ओके तो देखो पेज नंबर टू के बाद वो मेरा इंसर्ट कर देगा इमेज। पेज नंबर टू के बाद ही इंसर्ट कर दिया, तो आपका कोई डॉक्यूमेंट ऐसे इमेज फॉर्मेट में रहेगा तो भी इंसर्ट कर सकते हैं। डिलीट करना है ये दोनों पेज, मेरा तीन पेज सेम हो गया तो मुझे थ्री और फोर डिलीट करना है, तो थ्री और फोर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, डिलीट सिलेक्टेड या रेंज, रेंज में थ्री टू फोर, इसको ओके, ये थ्री एंड फोर को डिलीट कर देगा। थ्री मेरा तीन बार आया था तो एक पेज को इसने डिलीट कर दिया। तो आप ऐसे इजिली काम को अपने कर सकते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट था वो इजिली आप देख भी सकते हैं कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं हो गया, और डॉक्यूमेंट गलत हो गया तो आप इजिली यहाँ से देख सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, कोई इमेज पहले का डॉक्यूमेंट्स है आपका टेंडर का कोई फाइल तो आप उसको बदल सकते हो, वहां से कोई फाइल इंसर्ट कर सकते हो, इन शॉर्ट आपका जो काम है बहुत ईजी हो जाता है। अभी इसमें से मुझे और एक इसमें अच्छा कमांड रहेगा, वो आपको दूसरी जगह भी मिलेगा, यहाँ पर भी है, मुझे जो ये एक नंबर पेज है इसको मुझे वर्ड में, सिर्फ एक नंबर पेज को ही वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मुझे एक नंबर पेज वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूंगा कन्वर्ट, मुझे पहले इसको अलग करना पड़ेगा। तो अलग कैसे करेंगे, फाइल में जाओ, इसको प्रिंट का कमांड दे दो, प्रिंट, यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ है, या फिर आपके पास एक नया ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा, उसको बोलेंगे डोकोकॉम पीडीएफ ड्राइवर, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। पेज नंबर वन ऑफ वन, एक ही पेज को मुझे कन्वर्ट करना है, इसको ओके, ये आपको मिल गया यहाँ पे सेव करने का, कहाँ पे सेव करना चाहते हैं, तो मैं डेस्कटॉप में करना चाहता हूँ, इंडेक्स है मेरा, इंडेक्स है, इसमें मुझे बदलना है पेज नंबर मेरा प्रॉपर डालना है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दे रहा हूँ इमेज में, मैं इसको ही डायरेक्टली वर्ड में कन्वर्ट करूंगा, ये मेरा देखो इंडेक्स आ गया, इसको पीडीएफ प्रोफेशनल में ओपन करें, ओपन विद पीडीएफ कन्वर्टर प्रोफेशनल, ये आ गया हमारा प्रॉपर, देखिए इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, फाइल सेव एज डेस्कटॉप लोकेशन वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो वर्ड डॉक एक्सेल में करना है तो एक्सेल सेव, एकदम इजीली वो वर्ड में एक्सेल में जिसमें चाहिए उसमें वो आपको इजीली कन्वर्ट करके दे देगा। खाली आपके इसके रिजोल्यूशन अच्छे होने चाहिए, देखिए आप इसको कहीं पर भी एडिट कर सकते हो, इसे छोटे छोटे टुकड़े में नहीं तोड़ेगा ये, एकदम जैसा टेबल के साथ प्रॉपर वे से इसने कन्वर्ट कर दिया, अब इसको इजीली कहीं पर भी कैसे एडिट कर सकते हो, इंक्लूडिंग हम लोगों ने पेज नंबर डाला था उसको भी वो इंसर्ट कर दिया, देखो यहाँ पेज नंबर भी आप एडिट कर सकते हो कहीं पर भी, टेबल के साथ जैसा टेबल था वैसा का वैसा, और ना इसने टूटे में तोड़ा, प्रॉपर वे से इसको वर्ड में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट, टेंडर के कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे डिक्लेरेशन है या बाकी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स है उसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेंडर के फॉर्मेट है यहाँ पे, ये डिक्लेरेशन वगैरह है, मुझे इसको वर्ड में कन्वर्ट करना है, तो ओपन विद पीडीएफ प्रोफेशनल फाइल, ये सब डॉक्यूमेंट्स को मुझे वर्ड में कन्वर्ट कराओ, फाइल सेव एज, ये टेंडर के डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट है, पहले आपको अलग करना है, अलग कैसे करना है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, वर्ड में करना है, वर्ड डायरेक्टली इसको वर्ड में 13 पेजेस है, फास्ट भी करता है और प्रॉपर करता है, ये 13 पेजेस को इजीली वो वर्ड में कन्वर्ट करता है। देखिए प्रॉपर कन्वर्ट किया, कहीं पर भी टुकड़े में नहीं तोड़ा, कुछ नहीं, आप इजीली इसको एडिट करके डाल सकते हैं, जैसा था वैसा कन्वर्ट कर दिया, कहीं पर भी आप टाइप कर सकते हैं, टाइप करना है टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सेम एक्सेल में कन्वर्ट करना है तो एक्सेल में भी कन्वर्ट कर देगा, ये निकालना है आपको और उसकी जगह दूसरा कुछ डालना है, निकाल के आप अपना नंबर को डाल सकते हैं।
जैसा चाहिए आपको वहां पे वैसा आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेक्चर वगैरह सभी थी आपका वर्ड एक्सेल या जेपीजी में कन्वर्ट करना है तो आप जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, वहां पे जेपीजी का भी ऑप्शन है। पीपीटी में कन्वर्ट करना है तो पीपीटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा अच्छा लगेगा। आप वहां पे सेव एज करके कोई भी डॉक्यूमेंट्स को वहां पे प्रॉपर वे से जैसा जिस फॉर्मेट में चाहिए, इतने सारे फॉर्मेट है, कोई भी फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते। जनरली टेंडर के लिए मुझे यही सब डॉक्यूमेंट्स लगता है और वो काम ये मेरा प्रॉपर करता है। कोई चीज में कहीं लिखना है थोड़ा बहुत एडिट करके कुछ टाइप करना है तो आप यहाँ से उसको टाइप भी कर सकते हैं, डाल देंगे ये टाइप हो जाएगा, जो डालेंगे वो लिखा हुआ करेंगे वो आ जाएगा। टेंडर पढ़ने के लिए भी अपने को ये सॉफ्टवेयर काफी यूज होता है, जैसे कि मुझे कभी कभी टेंडर पढ़ना पड़ता है, टेंडर पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि टेंडर पढ़ने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट्स लगेगा तो मैं क्या करूंगा, तो टेंडर पढ़ते वक्त कोई पॉइंट मुझे अच्छा लगा तो मुझे उसको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ती है ताकि मुझे याद रहे, तो मुझे हाईलाइट करना है ये वाला पॉइंट, तो मैं इसको हाईलाइट भी कर सकता हूँ। देखो ये हाईलाइट हो गया, कलर बदलना है बदल सकते हो, सॉरी पूरा हो गया, पूरा सिलेक्ट हो गया था इसलिए इतना हाईलाइट हो गया। कलर यहाँ से है, अब जो कलर में डालेंगे वो कलर में आपका हाईलाइट होना चालू हो जाता है। हाईलाइट का कलर कहीं पर है कलर का ऑप्शन जहां से आप कलर को बदल सकते हो, हाईलाइट करके रख सकते हैं ताकि ये पॉइंट मुझे पढ़ना पड़ेगा तो मैं टेंडर पढ़ने के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं, जो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको उसको हाईलाइट करते हैं। तो ऐसे इनसॉर्ट आपको टेंडर में बहुत सारी चीजों के लिए प्राइप अप्रोक्सिमेटली टेंडर भरने के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर वे से मैनेज करता है और आपका एक जगह पे सभी काम हो जाता है। इन शॉर्ट आप टेंडर छोड़ के बाकी के भी अपने प्रोफेशनल में भी बहुत जगह पे इसका काम यूज में ले सकते हैं। बोलिए कुछ डाउट्स है इसमें, कुछ पूछना है तो बताइए। सर जैसे कि हमें ये मैनुअली हमें स्टैंप और सिग्नेचर करना होता है तो सर सारे पे हम मतलब एक ही साथ अगर हमारी स्टैंप सिग्नेचर हो जाए कुछ ऐसा है कुछ? हाँ वो भी ऑप्शन है मैडम, यदि आपको लगता है तो डॉक्यूमेंट्स में पेज आपको वाटरमार्क में मिलेगा, ऐड ये आपको वाटरमार्क यूज करना पड़ेगा, ऐड यहाँ पे जाइए सभी जगह पे सभी पेज पे लिख देगा वो, यहाँ पे वाटरमार्क, यहाँ पे आपको ऐड करना है क्रिएट आप इमेज, मान लीजिए वो इमेज में आपने कर दिया है बराबर है, तो मैं कोई इमेज ले लेता हूँ यहाँ से, समझिए वो आपका साइन और ये, या फिर मेरा कोई साइन में उठा लेता हूँ तो आपको साइन से आपको प्रॉपर पता चल जाएगा। इमेज ब्राउज, यहाँ से मेरा साइन कहीं पर रह जाएगा मुझे, ये थोड़ा सा आपको एडिट करके व्हाइट बैकग्राउंड में लेना पड़ेगा इतना ही, या पीएनजी फाइल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके थोड़ा सा ये आपका रहेगा, रिलेटिव टू सेंटर मुझे कहाँ चाहिए, थोड़ा ये अजीब दिखेगा क्योंकि ये थोड़ा कलर अलग है तो कलर इसके साथ व्हाइट के साथ बैकग्राउंड में मैच करना पड़ेगा। आपको चाहिए नीचे मान लीजिए सेंटर ऑफ बॉटम या राइट साइड, राइट एज लेफ्ट बॉटम राइट, राइट में बॉटम, राइट बॉटम यहाँ पे चाहिए। साइज वगैरह भी हम यहाँ से छोटा कर सकते हैं इसको, ओके सील और साइन डाल दिया, यहाँ पे मेरा आ गया, इसको क्या करेंगे हम लोग कैसे आपको ट्रांसपेरेंसी कम ज्यादा भी कर सकते हैं, यदि आपको ट्रांसपेरेंसी लग रहा है तो थोड़ा सा ट्रेड वगैरह ट्रांसपेरेंसी आपको डालना है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का भी ऑप्शन है उसके हिसाब से ट्रांसपेरेंसी को भी कम ज्यादा कर सकते हैं आपको ऑल पेजेस।
ओके कर दीजिए, आपके ऑल पेजेस में ऑटोमेटिकली ले लेगा। छोटा साइज यदि छोटा करना है तो आप साइज को भी छोटा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं साइज भी छोटा करके आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग, एडिट, साइज, ₹150 डालते हैं। ओके आ गया, अप्लाई। ओके ये छोटा और छोटा चाहिए तो और छोटा, यहाँ पे साइन और सील की जगह पे व्हाइट बैकग्राउंड का होता तो प्रॉपर मैच हो जाता, एकदम आपका प्रॉपर दिख जाता। जहाँ पे चाहिए उसके हिसाब से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का भी जगह है, आप चाहेंगे तो इसको थोड़ा ऊपर लेना है तो भी आप ऊपर ले सकते हैं। यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, कैसे मार्जिन में चाहिए आप वैसा आप उसके हिसाब से आप मैनेज कर सकते। बोलिए और कुछ डाउट्स है किसी को तो बताइए। सर एट ए टाइम दोनों लोगों के साइन लेने हो तो अलग अलग से लेने पड़ेंगे या लेफ्ट या राइट? अलग 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 लेने पड़ेंगे। आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल पेज ही लेना पड़ेगा ऐसा, सिंगल पेज, और उसमें आपको लेफ्ट पूरा का पूरा जो पेजेस है वो आपको डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा, एक ही पेज इंसर्ट कर पाएंगे आप। या फिर यहाँ पे दो पेज इंसर्ट कर सकते हैं क्या, जैसे कि मैं देखता हूँ दो पेज आपको, मुझे और एक इंसर्ट करना है, मान लीजिए इसको भी इंसर्ट करना है तो मैं इंसर्ट हाँ कर सकते हैं, दूसरा पेज भी आ रहा है और एक एक बार यहाँ इमेज इंसर्ट करने का, एक बार इधर ये इधर आ जाएगा इंसर्ट हो, दो भी कर सकते हैं, एक बार इधर एक बार इधर, या फिर एक साथ करना है तो दोनों का सिग्नेचर करो और वही फोटो अपलोड कर दो, एक साथ दोनों हो जाएगा। और कुछ किसी को? तो इन शॉर्ट आपको टेंडर के लिए जो भी चीजें लगती है वो सब ये प्रॉपर वे से वर्क करते हैं। क्लियर है?